बात बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की करेंगे, जिनके खिलाफ पहलवानों के आंदोलन की अभी तक अंत नहीं हुआ है। कल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद पहलवानों का सुर हालांकि थोड़ा नरम पड़ा है। करीब 6 घंटे चली इस मैराथन बैठक में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि 15 जून तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। खेल मंत्री से बातचीत के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि पहलवान 15 जून तक इंतजार करेंगे, अगर तब तक कुछ नहीं हुआ तो पहलवान आंदोलन जारी रखेंगे। जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेज के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन जो उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। जो उन्होंने प्रपोजल कुछ बिंदुओं पे बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापिस लिए जाएंगे, तो वो चीजें सरकार ने मानी है। और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो अपने जो हमारे समर्थक है खा चौधरी है, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने प्रस्ताव रखेंगे। एक दो दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे। और इसी मुद्दे पर कल चरखी दादरी में खाप पंचायत हुई और पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया गया। खाप पंचायत में सरकार ने कुछ मांगे की हैं, वो मांगे क्या है बता रहे हैं महावीर फोगट। सबसे पहले तो ये है बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा जो हमारी फेडरेशन में हरेक में जो चर्चा सुनियावी जो जास्ती करते हैं जो फेडरेशन के अध्यक्ष होते हैं, और तीसरी बात फेडरेशनों में जो प्लेयर ही जो जिस गेम का प्लेयर है अर्जुन अवार्डी है गुरुद्वाराचार्य अवार्डी है सर उनको इन गेमों का अध्यक्ष बनाना चाहिए, न कि कोई राजनेता का लड़का या खुद राजनेता। और इसमें जो 2-3 महिलाएं रखनी चाहिए हर एक फेडरेशन में ताकि वो महिलाओं की आवाज़ सुने और उठा सके। फिर